हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो, इस वीक के रॉ में हमें ट्रिपल एच एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखे एंड वो अनवील करते हुए दिखे एक न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि उस ब्रांड पर रहने वाली जिसमें रोमन रेंस नहीं रहेंगे। बट क्या रोमन रेंस के पास खुद आने वाली है एक और न्यू चैंपियनशिप? एंड न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कौन हमें बनते हुए दिख सकता है, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमें कौन सा बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है WWE में। इसके अलावा WWE ने और कौन कौन से बड़े मैचेस कर दिए ऑफिशियल बैकलैश के पेपरव्यू के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम उन्हीं मैचेस के बारे में कर लेते हैं बात जिन्हें WWE ने कर दिया है ऑफिशियल बैकलैश के पेपरव्यू के लिए। तो आप सबको पता ही है, बैकलैश के लिए पहले से कई सारे बड़े बड़े मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल, लेकिन इस वीक के रॉ में हमें कुछ और मैचेस ऐड होते हुए दिखे। सबसे पहला मैच है डैमियन प्रीस्ट वर्सेस बैड बनी का स्ट्रीट फाइट। जैसा कि WWE ने यह कंफर्म किया था कि इस वीक के रॉ में हमें बैड बनी का रिटर्न देखने को मिलने वाला है और एक्सपेक्टेड था कि वो डैमियन प्रीस्ट एंड रे मिस्टीरियो के मैच में आने वाले, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। जब चेयर्स अटैक करने की वजह से डैमियन प्रीस्ट एंड रे मिस्टीरियो का मैच हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म, उसके बाद डैमियन प्रीस्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं रे मिस्टीरियो पर, लेकिन वहां उन्हें बचाने आते हैं कैंडो स्टिक के साथ बैड बनी। एंड वो भाई कैंडो स्टिक के सारे डैमियन प्रीस्ट पर काफी बुरी तरह से करते हैं अटैक। एंड वो ये बात कर कि मैं होस्ट नहीं होने वाला बैकलैश पेपर व्यू का, बल्कि मैं वहां पर मैच कम्पीट करने वाला हूँ डैमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट, वो भी एक स्ट्रीट फाइट में, जो कि थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैग टीम मैच में बैड बनी कम्पीट करते हुए दिखेंगे। बट हाँ, बैड बनी का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है और बैड बनी पर काफी ज्यादा प्रेशर रहने वाला है क्योंकि वो सुपरस्टार नहीं है, लेकिन फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे एक अच्छे खासे मैचेस की, क्योंकि भाई आजकल सेलिब्रिटी वगैरह भी काफी अच्छे खासे मैचेस दे रहे WWE में, जिस तरह से हम सब ने लोगन पॉल को करते हुए दिखा है। तो लेट्स सी कि आखिरकार बैड बनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है बैकलैश पेपरव्यू में। वैसे आपको क्या लगता है बैड बनी और डैमियन प्रीस्ट के मैच में किसकी जीत होने वाली है, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। वहीं एक और मैच WWE ने इस वीक के रॉ में कर दिया है ऑफिशियल, वो है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बियांका बेलेर वर्सेस इयो स्काई के बीच। वैसे अब जब लगभग सारे मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं बैकलैश पेपरव्यू के लिए, आप किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए कि हमें एक कौन सा बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है WWE में। देन गाइस, वो रिटर्न किसी और का नहीं बल्कि है CM Punk का। आप सभी को पता ही है सीएम पंक एंड WWE के बीच पास्ट में क्या कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ है। उसके बाद सीएम पंक ने WWE में एक तरह से वापसी भी की थी, बट वो मेन शो में नहीं बल्कि फॉक्स नेटवर्क में, यानी कि WWE बैकस्टेज शो में। और जब बात रही उनके रेसलिंग के रिटर्न की, देन वो चले गए AEW में। लेकिन गाइस, एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि इस वीक के रॉ में बैकस्टेज थे सीएम पंक, एंड ये कोई ऊपर से अपडेट वगैरह नहीं है बल्कि वीडियोस एंड फोटोज भी सामने निकल कर आई है सीएम पंक की। एंड वो तमिना से भी जाकर मिले एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मिस से भी अपनी कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह क्लियर की, जो कि पास्ट में थी सऊदी अरबिया में पैसे कमाने को लेकर। तो गाइस, यहां से देखकर लग रहा है कि सीएम पंक WWE में इंटरेस्टेड है। बट हां, इसके बाद के भी आप सब कहानी सुनो, WWE ने सीएम पंक को अपनी बिल्डिंग से जाने को कह दिया। अब ये क्यों कहा वो तो एग्जैक्ट नहीं पता। अब ये हो सकता है कि सीएम पंक अभी भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, तो WWE में अगर वो रहते हैं देन AEW WWE के अगेंस्ट कुछ एक्शन वगैरह ले सकती है। लेकिन हां, जो भी हो, हमें पहले सीएम पंक इंटरेस्टेड नहीं दिखते थे WWE में, लेकिन अब सीएम पंक इंटरेस्टेड है WWE में। और जैसा कि AEW के साथ भी सीएम पंक का रिलेशन खराब हो चुके हैं, तो चांसेस जरूर से बनते हैं कि उनका रिटर्न हमें WWE में देखने को मिल सकता है। लेकिन हां, अभी सीएम पंक AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ही है, उनका कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है, उसके बाद मे भी हो सकता है वो हमें WWE में आते हुए दिख जाए। तो आप सब कह सकते हो अगर सीएम पंक आते हैं WWE में, देन ये एक काफी बड़ा एंड शॉकिंग रिटर्न होने वाला है। वैसे काफी लोग सीएम पंक को देखना नहीं चाहते WWE में, आप क्या चाहते हो, सीएम पंक WWE में आए या फिर वो AEW में ही रहे, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए उस चीज के बारे में जिसके बारे में इस वीक के रॉ के बाद से लगातार बातें हो रही है, वो है न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में। सो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि ट्रिपल एच हमें काफी जल्द कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस एंड उनकी चैंपियनशिप को लेकर, वैसा ही कुछ हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिला। उन्होंने रोमन रेंस की काफी ज्यादा तारीफ वगैरह की, बट हां, उन्होंने ये कहा कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रेगुलरली डिफेंड नहीं करते और उन्हें एक ऐसा चैंपियन चाहिए जो कि हर जगह अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करे, इसलिए वो एक न्यू चैंपियनशिप लाते हैं WWE में जिसका नाम है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और भाई, देखने में तो सही लग रही है, थोड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइप लग रही है, लेकिन हां, अगर चैंपियन अच्छा है, उसका रेन अच्छा है, तो भाई चैंपियनशिप जरूर से रेलिवेंट बन जाएगी, जिस तरह से रोमन रेंस ने बनाया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। और चैंपियनशिप रिवील होने के बाद बहुत सारे सुपरस्टार्स ने इसे टारगेट किया, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी, सेथ रॉलिंस, बॉबी लेस्ली, सोशल मीडिया पर भी लोगन पॉल ने टारगेट किया है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। सो देखकर लग रहा है इसके लिए हमें टूर्नामेंट वगैरह देखने को मिलने वाला है और फाइनली जाकर न्यू
चैंपियन क्राउन होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में। अब भाई बहुत सारे ऑप्शन है WWE के पास, बट तीन नाम सबसे ऊपर है लिस्ट में। सबसे पहले है सेथ रॉलिंस, सेकंड में है कोडी रोड्स और थर्ड में है ब्रॉक लेसनर। बिकॉज ये तीन अभी बड़े नाम है मंडे नाइट रॉ में, और अगर ये चैंपियन बनते हैं तो चैंपियनशिप भी बन जाएगी रेलिवेंट। और जैसा कि ट्रिपल एच ने ये बात साफ कर दी है कि रोमन रेंस इस चैंपियनशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले, बिकॉज ये चैंपियनशिप उस ब्रांड में जाने वाली है जिस ब्रांड पर रोमन रेंस नहीं होंगे। और यहां से हमें एक और थिंग क्लियर होते हुए दिख रही है कि एक न्यू चैंपियनशिप और आते हुए दिखने वाली है हमें WWE में, जिसकी नेम होगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। यानी कि रोमन रेंस जो दो दो चैंपियनशिप लेकर घूम रहे हैं वो बन जाएगी एक। बिकॉज अगर भाई तीन तीन वर्ल्ड टाइटल रहेगी तो देखने में काफी ज्यादा ऑड लगेगा, इसलिए एक रहने वाली है मंडे नाइट रॉ ब्रांड में और एक रहने वाली है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। एंड इस चैंपियनशिप के आने के बाद भाई ये बात साफ हो चुकी है कि रोमन रेंस का रेन और भी ज्यादा लंबा होने वाला है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या चाहते हो कौन बने न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।